ने कमाल खान बनाया, पर हूँ मैं कमल खान। और मेरा सफ़र पंजाब से शुरू हुआ, फिर बॉम्बे आज भी काम कर रहा हूँ आपके गाँव के साथ। बॉलीवुड में गाने आ रहे हैं, मूवीज़ में, और कुछ अपने पंजाब की रिकॉर्डिंग भी मैं करता हूँ। पंजाब के अर्जुन सॉन्ग, रोमांटिक सैड, आपके फादर जो थे वो हेल्थ डिपार्टमेंट में, आज भी वो डॉक्टर थे। तो उनकी तो ख्वाहिश थी कि आप डॉक्टर बने। देखो, ये थोड़ा सा तो होता है पेरेंट्स का, थोड़ा सा कभी उनका जो एक मिजाज होता है बच्चों के साथ थोड़ा सा सख्त होता है, और वो अच्छा होना भी चाहिए। उसके साथ ये है कि बच्चों का फायदा होता है, माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए अच्छा सोचा था, बट मेरी मॉम का सपना था कि मैं सिंगर हूँ। वो उन्होंने भी तालीम ली है वगैरह, मेरे नाना जी से, मेरे नाना जी रहते थे मगर सिंह दीवाना उनका नाम था, तो उन्होंने उनसे तालीम ली, तो मैंने तालीम ली मेरी मॉम से। जो मेरे डैड थे वो थे बिल्कुल देसी मिजाज के, जिसे होता है कि यार वो सेल्फ मेड काम करना है भाई अपना, बस सब काम तक से बस। उनका ध्यान ये था कि मैं पढ़ाई करूं और पढ़ के मैं डॉक्टर बनूं। मुझे शौक है गायकी का, वो बचपन से मुझे कुर्ती में मिली, तो वहाँ से ये शुरुआत। आपके चाचा जो शौक करी थे वो भी मेरे घर बहन मेरे भी आप नहीं, वो मेरे मामा जी हैं। मामा जी? हाँ जी, मेरे मामा जी। आपके फादर जो थे इस लाइन में थे, खुश नहीं थे? हाँ जी, फादर साहब मेरे बिल्कुल खुश नहीं थे, पर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आपके जो बचपन के दिन थे, जो स्ट्रगल के दिन थे, उसमें आपने फैक्ट्री में भी काम किया, 40 रुपये दिहाड़ी पर भी काम किया, उसके बाद कैसे पटा कैसे खाया? सर, ज़िंदगी है ये, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है बंदे को। आज भी मैं सीखता हूँ, ऑलवेज मैं थिंक यही रखता हूँ कि स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। जब बंदा टीचर बन जाता तो फिर वो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश हो जाते हैं कि यार आई एम द बेस्ट। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट थिंक इज़ बहुत बेटर है, हर इंसान से बंदा सीखता है, छोटे बच्चे से भी सीखता है। तो वहाँ से मेरा जो सफ़र शुरू हुआ, हम मोस्टली हम बातें भी करते रहते हैं कि एक जो आपकी परवरिश है ना, उसका बड़ा असर होता है। आप किस माहौल में पैदा हुए और आपको बातें कौन सी बताई गई। एक बच्चा है, उसको अगर आप बताएंगे कि आप ऐसे ही भाई तो बड़ा तो पैदाइशी अमीर है, तो उसकी सोच वैसी बन जाएगी। एक बच्चे को शुरू से ही बताया गया कि बेटे अपना खुद का कमा के खाना है, चाहे तेरे पास पैसे हैं चाहे नहीं, वो जो फादर साहब ने कमाया वो उनकी कमाई है, मेरी कमाई मैंने कमाने शुरू की। तो जो 40 रुपये में मैं काम कर रहा था, तो वो मेरे फादर की एक मुझे सीख थी कि मैं काम करूँ अपने पैरों पे खड़ा हूँ। और जब मैं रात को बैठ के फैक्ट्री में काम करता, तो मैं सिर्फ यही अरदास करता था मालिक के दरबार में कि मुझे कुछ करना, मुझे कुछ बड़ा करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और बहुत सारी चीज़ें थी मेरी लाइफ में जो मुझे करनी थी। हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि मैं अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी दूँ, उनके लिए अच्छा घर बनाऊँ, उनके लिए फैसिलिटीज अच्छी हो, वो सब चीज़ें अल्लाह ने दे दी मुझे, शुक्र करता हूँ। एक छोटे से गांव से उठकर नेशनल लेवल तक का आपका सफ़र जो है वहाँ पे तक पहुँचना जी, और अपने टैलेंट के जोर पर पहुँचना, इससे इस बारे में आप कुछ बताएंगे? सर, ये अकेला टैलेंट नहीं मैं कह सकता, इसके साथ दुआएं जुड़ी हुई हैं आप सभी की, और जितने प्यार करते हैं, जिन लोगों ने बनाया मुझे, और अल्लाह का कर्म था, उसके कर्म के बिना तो पता नहीं होता, उसकी रजा थी तो मैं इस रास्ते पर चला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब माँ बाप की दुआएँ साथ हो जाएँ, क्योंकि 2008 में मेरा एक शो हुआ था आवाज़ पंजाबी, जिसका पंजाबी रियलिटी शो, उस शो के बाद पापा को थोड़ा सा लगा कि अरे कुछ अच्छा करता है तो मुझे इसको सपोर्ट करनी चाहिए, फिर थोड़ा सा उन्होंने मुझे गुरेज करना, डांटना मुझे थोड़ा सा कम कर दिया, तो मुझे गुरु की बैक सपोर्ट मिलने शुरू हो गई। वो सामने नहीं आते सपोर्ट करते थे, पीछे से कर देते थे कि चलो ठीक है इसको करना है। पर जब 2010 में मेरे जब सारे काम पापे जुट गया, उसके बाद थोड़ा सा सारे काम आपका टर्निंग पॉइंट रहा जी। अच्छा, वो सारे काम आपका टर्निंग पॉइंट था, और इसमें आपके जो मेंटल थे शेखर जी, इन बिटवीन सारे काम के बीच में ही आपको ये लगाने का 30 मार्क खान का जी से पहले? बिल्कुल, मैं मेरे मेंटल थे विशाल शेखर, तो वो मुझे गाइड भी करते रहते थे, हम 7-8 जन थे उनके ग्रुप में, और सबको वो सिखाते भी थे और गानों की सिलेक्शन भी वही करवाते थे। तो जब उनको लगा कि यार तुम्हारा तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि तुझे गाना ट्राई कर, तो जब उन्होंने मेरे से उनका ट्राई कराया, फिर उन्होंने अनाउंस कर दिया ऑन स्क्रीन शो में कि 30 मार्क खान का गाना कमाल खान, तो वहाँ
कहाँ से मुझे दे। वैसे तो एक्चुअली ब्रेक को आपको 2012 में मेरी मेरे ख्याल में डर्टी पिक्चर का जो करा था उस पर जी जी मेरे वास्ते मेरा शुक्रिया। उसके उसके बारे में कोई ऐसा अनुभव है कि कैसे मिला आप? सुना कि आपको एक फ़ोन आया था उनका? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं बॉम्बे अपने फ्लैट पे था तो मुझे विशाल भाई का फ़ोन आया कि माल आप कहाँ पे हो, जल्दी स्टूडियो आओ। तो मैं गया, मैंने बोला हाँ सर बुकिंग कीजिए। जब बैठे तो उन्होंने बोला यार गाना है तो सुन ले और ट्राई कर, फिर मैं सुनता हूँ। मैंने उस गाने को सुना, रियाज किया, तो रियाज करने के बाद जब सुनाया उनको बोले चलो टेक करते। जब टेक किया तो उन्होंने बोला कि मैं बताता हूँ थोड़े दिन तक आपको। तो मुझे फाइनली विदिन 4 to 5 days के बाद मुझे उनका कॉल आया कि यार तेरा गाना सेलेक्ट हो गया, फिल्म बहुत बड़ी है और इमरान हाशमी के ऊपर गाना है तेरा, तो गाना तो वैसे ही हिट हो जाएगा। तो सर ये आपकी दौड़ है और आपने मुझे ब्रेक दी है तो इसलिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार। तो वहाँ से सर मुझे काफ़ी गाने से तो आप बिल्कुल ही बोलो। आपने वैसे कितने फिल्मों में गाए सर? मेरे कम से कम बॉलीवुड में मैंने काफ़ी मूवीज़ में गाया, कुछ गाने तो अभी रिकॉर्डेड पड़े हैं आने वाली मूवीज़ में हैं। आने वाली कौन सी है सर? वो मूवीज़ है मेरे मेरी फैमिली प्रॉब्लम सॉरी, बट ये है कि गाने काफ़ी मूवीज़ में पड़े हैं तो इंशाल्लाह वो भी आते रहेंगे। अब तक जो आपने बॉलीवुड में गाने गाए उससे आपका सबसे बढ़िया गाना कौन रहा? रब की कवाली है इश्क कोई, दिल की दीवाली है इश्क कोई, महकी सी प्याली है इश्क कोई, सुभानी लाली है इश्क। मेरे दिल को तुझा से जुदा कर दे, यूं बस तू हाँ मुझको फना कर दे, मेरा हाल तू मेरी चाल तू बस कर दे आशिका, तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। बचपन से आप कौन से गायक को अपना दिल में? सर मैंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना और सरदूल सिकंदर जी को बहुत सुना, आज भी सुनता हूँ। ये हमारे पंजाब में सरदूल साहब एक ऐसे कवि हैं और पाकिस्तान के नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने गायकी का जो एक जो दीवारें हैं वो ख़त्म कर दी। जैसे बोलते हैं कि जी पाकिस्तान या इंडिया, मुझे लगता है गायकी की भी दीवार है ही नहीं, सिंगर की भी दीवार है सर। उसके लिए तो हर धर्म की एक कदर है और हर मज़हब की एक कदर है, और जब कोई भी इंसान सुनता है चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है सिख है ईसाई है, और किसी भी रूप में गाने सुनता है, भजन सुनता है, भेंटें सुनता है, कुछ भी सुनता है, म्यूज़िक तो म्यूज़िक है, वो हर चीज़ के कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करे। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने ऐसा गा दिया कि जितने पंजाब के सिंगर इवन द बॉलीवुड के जितने सिंगर हैं सब उनकी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कंपटीशन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंश तो मिलता होगा, और इवन दो पंजाब। और सरदूल साहब का ये है, मुझे जो उनकी गायकी में जो जहाँ से मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, आप उनका कोई भी गाना सुनो आपको एक वो चीज़ महसूस करा देते हैं कि अगर वो चीज़ दूर की बात कर रहे हैं तो वो दूर की ही बात होगी, दूर की बात वो ऐसे लग रहा है कि यार बस भूल दिया, दूर गाने में दूर आ गया, तो वो गाने में महसूस भी हो रहा है, गाने को महसूस करके और दूसरों को भी वो चीज़ फील करो, तो इसलिए मैं इनको बड़ा सुनता हूँ। युवा जो है रैप की तरफ ज़्यादा रुझान कर रहे हैं, लेकिन जो ये संगीत है वो क्लासिकल से ही शुरू होता है, आप क्या समझते हैं जो युवा जो है वो उनको किस तरह से? सर जो मैं युवा के लिए मैं भी यही कहूँगा, क्योंकि सब मेरे मोस्टली मेरे फ्रेंड सर्कल में ही है सब, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। पहली बात यह है कि हर इंसान ने रोटी खानी है, काम करना है और अपने टैलेंट को आगे लाना है, और ये लोगों की दुआएँ हैं जो लोगों को अप्रिशिएट करते हैं। बट साथ के साथ मैं ये भी बोलूँगा कि आप रैप कर रहे हो, आप अर्बन गा रहे हो, आप कुछ भी गा रहे हो, बट आपका जो बेसिक है, जो आपकी बेसिक नॉलेज है, जो आपकी आपकी जड़ है म्यूज़िक की, उसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने जैसे अपने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सुंदर सुंदर से गाने गाए जी, और क्या कभी बॉलीवुड के अलावा आपको बॉलीवुड में कोई ऐसा चांस मिला कि आप कहीं बाहर जाके अपनी इस गायकी को और सूफी गायकी को आप दर्शा सकें? बिल्कुल सर, बॉलीवुड मैशअप होता है टोरंटो में सर, रियली बिगेस्ट शो, वहाँ पे मोस्टली अपने इंडियन शोज करते हैं, वहाँ पे पूरी जो लोग होते हैं वो पूरे पूरे बाहर के, कोई कैनेडियन कोई अमेरिकन कोई इंग्लैंड वाले,
जी सब होते हैं, जिनको सिर्फ पंजाबी लैंग्वेज समझ आती है, हिंदी लैंग्वेज समझ आती है, वो सुनते हैं। तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, इवन तो मैंने वेस्ट इंडीज में शो किया वहाँ के सुपरस्टार्स के साथ, रिसेंट हम नेक्स्ट ईयर भी जा रहे हैं वहाँ पे शो। अल्लाह का कर्म है सर, बहुत जगह मुझे खुशी होती है कि जहाँ जहाँ सोचा भी नहीं था वहाँ वहाँ शो करें। आप पहले भी चंबा आए? हाँ जी, चंबा में पहले एक बार आया था। तो आपने क्या चंबा में कुछ ऐसे टैलेंट देखे जो गायकी में उभर सकते हैं, तो आप उनको क्या राय देना चाहते हैं कि किस तरह से उनको अपनी गायकी को आगे बढ़ाना चाहिए? सभी को मैं यही बोलूँगा, सभी मेरे दोस्तों को, सबसे पहली बात तो ये है कि आप सिर्फ मेहनत करें। आप जो बंदा सोचता है कि यार मुझे राइट वे स्टार्ट करना है या राइट वे मुझे हिट मिल जाए, लाइक मिल जाए, ये मिल जाए, इन चीज़ों में कोई मुझे लगता है फालतू का टाइम है। आप अपने आप पे एक यकीन रखें कि आप कर कैसे। आज आप एक गाना करते हैं, आपका गाना है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे लाइक ले लिए या किसी से शेयर करवा लिया, किसी ने आपने न्यूज़ बना ली कि जी मेरा गाना इतने मिलियन हो गया, जी मेरा गाना इतना हिट हो गया। बट आप अंदर से अपने ज़मीर से बात करके देखो कि आपने खुद क्या कमाया। आप साल का एक गाना करो, दो करो, पाँच करो, वट एवर जितने भी करो, पर वो गाने जेन्युइनली हिट हों, जेन्युइनली लोगों तक वो गाने आपके पहुँच रहे हैं, तब जाके वो चीज़ का मजा आता है। यूथ थोड़ा सा आजकल ये हो गया कि डिजिटल बहुत ज़रूरी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपने टैलेंट को डिजिटल में घुसो रहे हैं, टैलेंट पे कम ध्यान दे रहे हैं, डिजिटल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि यार नहीं मेरे लाइक ज़्यादा होने चाहिए, मेरे व्यू ज़्यादा होने चाहिए। बट मैं ये चीज़ सोचता हूँ कि अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, आप कुछ गा अच्छा रहे हो, आपके गाने अच्छे, आपके लिरिक अच्छे, तो वो भी लोग सुनते हैं। मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में यही बोलता हूँ, लोग बोलते हैं जी माहौल चेंज हो गया, ऐसा नहीं लोग सुनते, वैसा नहीं लोग सुनते, अभी जी सुरीलों की कदर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आई एम नॉट कॉल लाइक सुरीला कि मैं सुरीला हूँ, जब मुझे सुर की बस समझ आए, आई एम अ स्टूडेंट। बट मेरा मानना ये है कि अगर हम अच्छा गाएंगे तो अच्छा सुनने वाले भी बहुत बैठे, वो अच्छी चीज़ उन तक पहुँचनी चाहिए, वो जरूर सुन, ये मेरा। अगर मैं सोचूँ कि यार अगर कोई कुछ भी गा रहा तो मैं भी वही गाऊँगा, तो मुझे लगता है फिर मैं तो भीड़ जाल में फंस गया। तो आप अपना खुद का क्या लेके, सबसे पहले ये है कि जो यूथ की आप बात कर रहे थे उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि आप अपना जो एज ए सिंगर, एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर, वट एवर जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो, पहले अपने आप को पहचानो कि आपने करना है, अपना स्टाइल आगे ले कि आप ऐसे नहीं मुझे इस स्टाइल से आगे जाना, क्योंकि फिर इंशाल्लाह एक टाइम ऐसा है कि लोग आपका स्टाइल खोल। नहीं, इसके लिए क्या प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए सिंगर के लिए? सर आज के टाइम में हैव टू प्लेटफॉर्म, क्योंकि मैं भी प्लेटफॉर्म से निकला हूँ। बट आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें भी चेंज हुई, दो रास्ते बन गए हैं, एक तो आप रियलिटी शो के जरिए जाएं तब आपको रास्ता मिलता है, एक आज के टाइम में जी आप अपने गाना अरेंज करें, किसी भी तरह गाना बनाएं, गाना गानों पर पैसा लगाएं, फिर उस गाने को आप लॉन्च करें तो वो गाना हिट हो जाए, अल्लाह सुन ले आपकी, तब भी आपकी लाइफ बन सकती है। अच्छा, रास्ते तो बहुत हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपकी मेहनत या फोकस की चीज़ पर। आपने हिट होना, देखो अगर भीड़ चल रही है, भीड़ में से अलग दिखना तो कुछ तो अलग करना, तब जाके पैसा। हम आपके टैलेंट की बात करते हैं, आप बताइए अवार्ड, कितने अवार्ड स्क्रीन अवार्ड मिला था आपको? जी सर, मोस्टली आठ अवार्ड मिले थे मुझे शॉर्ट लेने के बाद, बीच बीच तो ऐसे लगता था कि मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू वाली बात थी। जो चीज़ इसमें आप बोलते हैं कौन कौन सा शॉर्ट मिला? जी सी ने अवार्ड था, एक म्यूजिक मिर्ची बहुत था उसमें, नॉमिनेशन थी, पीपल चॉइस अवार्ड था, पीपल चॉइस और भी सब काफ़ी थे। पंजाब का पीटीसी में भी आपको पीटीसी दो या तीन बार।